रिसेंटली दोस्तों इंडियन मार्केट में एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है जिसका बॉडी मटेरियल अनब्रेकेबल एंड काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल का बनाया गया है। दोस्तों इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया है जॉय ई बाइक टू व्हीलर कंपनी ने जिसका नाम है जॉय ई बाइक मीहोस। दोस्तों इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको काफी सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाता है। स्कूटर का ड्राइविंग रेंज एंड परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा दिया गया है। तो दोस्तों इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की अगर बात की जाए तो स्कूटर में आपको काफी क्लासिक एंड रेट्रो टाइप का बॉडी डिजाइन देखने को मिल जाता है। दोस्तों कंपनी के मुताबिक इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो बॉडी मटेरियल है वो पॉली डीसाइक्लो पेंटाडाइन मटेरियल से बनाया गया है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी का होता है और अनब्रेकेबल है। स्कूटर में आपको ऑल एलईडी लाइटिंग्स देखने को मिल जाता है यानी कि एलईडी हेडलैम्प, एलईडी टेल लैम्प, यहां तक कि इंडिकेटर्स भी आपको एलईडी देखने को मिल जाता है। दोस्तों स्कूटर में आपको 4.3 इंचेस का टीएफटी फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है जहां पर काफी सारे एडवांस फीचर्स को प्रोवाइड किया गया है जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जीपीएस नेविगेशन, म्यूजिक प्लेयर, जियो फेंसिंग, लाइव स्कूटर ट्रैकिंग जैसे और भी काफी सारे एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाता है। दोस्तों स्कूटर की बाकी स्पेसिफिकेशंस की अगर बात की जाए तो स्कूटर की फ्रंट एंड रियर साइड में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है विद कॉम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। स्कूटर में आपको काफी अच्छा क्लाइंबिंग स्ट्रेंथ देखने को मिल जाता है, 10.2 डिग्री का क्लाइंबिंग स्ट्रेंथ देखने को मिल जाता है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में। अब दोस्तों इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की मेन स्पेसिफिकेशन यानी कि मोटर, बैटरी एंड ड्राइविंग परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो स्कूटर में आपको 70 वोल्ट 40 एच का एनएमसी बैटरी देखने को मिल जाता है जिसको चार्ज करने में 4 से लेकर 5 घंटे तक का टाइम देना पड़ता है। मोटर की अगर बात की जाए तो स्कूटर में 1005 वाट का बीएलडीसी पावरफुल हब मोटर लगाया गया है जो कि आपको 70 केएमपीएच तक का मैक्सिमम स्पीड प्रोवाइड करवाता है। स्कूटर का एक्सीलरेशन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, 0 टू 40 केएमपीएच तक का स्पीड में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप एक्सीलरेट कर सकते हैं सिर्फ 7 सेकंड में। ओवरऑल ड्राइविंग रेंज की अगर बात की जाए तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप एक बार फुल चार्ज करने पर 100 से लेकर 110 किलोमीटर तक राइड कर सकते हैं। अब दोस्तों इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइस रेंज की अगर बात की जाए तो कंपनी ने रिसेंटली इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया है 4 कलर ऑप्शन के साथ। जॉय ई बाइक मीहोस इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक शोरूम प्राइस है 1,49,000 रुपीस जो कि अपनी सेगमेंट के हिसाब से एंड ड्राइविंग रेंज के हिसाब से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस काफी ज्यादा रखा है कंपनी ने। फ्लेम टू सब्सिडी के बाद इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप काफी अफोर्डेबल प्राइस में खरीद सकते हैं। तो दोस्तों जॉय इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी का ये नया इलेक्ट्रिक स्कूटर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए और चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।